हमीरपुर में ई लर्निंग को लेकर सभी शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप शिक्षा निदेशक दिलवरजीत चंदर ने कहा कि अगर आगामी समय में सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके तैयारियों को लेकर जिला के सभी ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर, ब्लॉकों के BRC और स्कूल प्रधानाचार्यों से चर्चा की गई। मौजूदा समय में ई लर्निंग के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। हमारे इस डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से हमने अपने सभी जिला के जितने हमारे ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी प्रिंसिपल ब्लॉक लेवल पे बैठे हैं और जो हमारे BRC वहाँ काम कर रहे हैं उन सब के साथ एक जनरल जो डायरेक्शंस होती हैं, बेसिकली दो बातों के ऊपर, एक हर घर पाठशाला जो सरकार की तरफ से ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है उसके रिगार्डिंग कहाँ कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से बच्चे हर घर पाठशाला में ई लर्निंग के साथ नहीं जुड़ पाए हैं इसके बारे में, और क्या क्या अगर कल को सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के आदेश होते हैं तो हमारी उसमें क्या प्लानिंग स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने अपने BPO के माध्यम से सभी हेड्स को यहाँ से दी हैं, निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या स्कूलों के अंदर ना हो। इस दौरान उप शिक्षा निदेशक दिलवरजीत चंद्र ने कहा कि जो छात्र किसी कारणवश ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी क्या योजना बनाई जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई। शिक्षा निदेशक दिलवरजीत चंद्र ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा स्कूल प्रधानाचार्यों ने स्कूल खोलने को लेकर बच्चों के अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया, लेकिन 60% अभिभावकों ने स्कूल न खोलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक स्कूलों को न खोला जाए। वहीं दिलवरजीत चंद्र ने कहा कि 31 अगस्त तक स्कूल पूर्णतः बंद किए गए हैं, लेकिन सरकार के आगामी निर्देशों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। दिलवरजीत चंद्र ने कहा कि आगामी समय में स्कूलों में भी मॉनिटरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। अभी जो हमारा 4 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक EPTM हुआ था तो उसमें लगभग 60% जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने जब चर्चा की अध्यापकों के साथ तो उस चर्चा में ये निकल के आया है कि 60% जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अभी ये चाहते हैं कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है या सरकार की तरफ से कोई पूरा प्रबंध नहीं हो जाता है तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महामारी से छुटकारा पाया जाए और ये हालात बिल्कुल ठीक हों और जल्दी जो है हमारी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुलें, पर अभी तक जो दिशा निर्देश हैं केंद्र सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से वो 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद हैं। तो आगामी जो भी दिशा निर्देश हायर अथॉरिटी से आएंगे उसके अनुरूप हम ये सारी चीज़ें फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे। तो आज मेरे साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो इंस्पेक्शन कैडर में हैं इनको भी मॉनिटरिंग का जो काम दिया गया है, जो हमारी हर घर पाठशाला है या ई लर्निंग जो पूरे जिला के अंदर है तो उसके ऊपर भी चर्चा इन्होंने उनके सामने रखी है कि आने वाले समय में स्कूल लेवल पे जो मॉनिटरिंग है उसका कार्यक्रम किया जाएगा कि किस ढंग से क्या बच्चों के अंदर ये ई लर्निंग का जो कार्यक्रम है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।